तो हम आ गए हैं सब्जी लेके, और ये दो थैले लेकर जाती हूँ मैं, क्योंकि एक थैला ना आजकल जैसे सर्दियों में वैसी सब्जी होती है हरी सब्जी, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा भी लो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं दो थैले लेकर जाती हूँ और साथ में लेकर जाती हूँ रिदू को। तो ये है बेथुआ, और बेथुआ बहुत अच्छा हो रखा है। कई लोग ना बेथुए का रायता बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती, अभी एक दो बार बनाया था मैंने, तो सब्जी के लिए या पराठे के लिए है। और ये लो, ये लटका दिया है मैंने थैला, इसको निकाल देते हैं बाहर। और ये है 1 किलो से ज़्यादा मेथी, तो कल बिनूंगी इस मेथी को। और ये है टमाटर, तो अब की बार ना ये गोल गोल से देसी टमाटर है 1 किलो। और ये है धनिया, पता नहीं कैसा है, ठीक ही होगा। और ये है किन्नू, और अब की बार लाई हूँ मैं ये शकरकंदी, तो पता नहीं मीठे होंगे कि नहीं होंगे। और शकरकंदी पूरे हफ्ते का सब्जी ले आती हूँ मैं, इसको ऐसे कर देते हैं। और ये रही गोभी 1/2 किलो, और ये है अदरक, और ये 2 किलो आलू, और ये मूली। और इस सब्जी को ना मैं सुबह धो धा के फ्रिज में वो करूँगी सेट। और ये है स्टील का जूना, और इसमें इसमें है काले अंगूर, ये काना ने मंगाए थे। और काना ने बोला था कि मम्मी काले अंगूर ले आना, पता नहीं क्या ध्यान गया उसका काले अंगूर ऊपर। और ये है गाजर 2 किलो, और ये है हरी मिर्च, और ये है मशरूम, ये मशरूम है बाबू नहीं धो के खाने हैं, अभी नहीं खाने। और ये है 2 किलो अमरूद, तो अमरूद भी ना अच्छे अच्छे आ रखे हैं आजकल मार्केट में, वो मंडी में। और ये है, ये क्या है, ये रॉड है जो कि ख़राब हो चुका है, मुझे दुकानें नहीं मिली रॉड सही कराने की। और ये 2 किलो प्याज है। तो ये सारी सब्जियां मेरी हफ्ते भर चल जाती है, और कल बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा मेरे लिए, झाड़ू पोछा के अलावा, घर के काम के अलावा। तो सारा ये धोना है, समेटना है, फिर फ्रिज में लगाना है। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मेरा पूरा घर का झाड़ू लग चुका है, और ये बाहर मैंने झाड़ू लगाया तो मैं झाड़ू धो रही हूँ। और ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को धो के, और अब रख रही हूँ मैं अमरूद को धो के, क्योंकि बच्चे ऐसे उठा के नहीं तो खा लेते हैं, और इन पे बहुत सारा धूल धक्कड़ लगा होता है ना, तो इसलिए मैंने धो दिया इनको। अभी मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, और ये मैंने ना कद्दूकस कर लिए हैं, तो इनका जितना भी पानी है ना मैं निचोड़ के इस थाली में निकाल लूंगी, और इसी में आटा गूंदूंगी। तो अभी बन रहे हैं आज मूली के पराठे, का जितना भी पानी था ना मैंने निचोड़ लिया है, और ये देखिए, तो इसी में मैं ना आटा गूंदूंगी। तो बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, और बस अब हम दोनों के लिए ही बनाऊंगी नाश्ता। अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल, और जो ये मूली है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं वो करूंगी, अलसाऊंगी, यानी कि जैसे सब्जी के जैसे अलसाते हैं ना, और इग्नोर करना, अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो सारा किचन वो हो रखा है, मैसी हो रखा है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने मूली के ऊपर से काट लिए हैं हरी मिर्च और धनिया, अब मिलाएंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, और तब थोड़ा जो कच्चापन सा होता है ना मूली का वो हट जाता है, और अच्छी हो जाती है मूली, मूली के पराठे ना फिर बढ़िया बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और नमक भी मैंने मिला दिया है, नमक पानी छोड़ेगा, पर कोई बात नहीं, देखते हैं बनते बनते। और स्वाद अनुसार मैंने नमक यहाँ पे मिला दिया है, तेल को होने देते हैं गरम, और इसमें लगाएंगे जखिए का तड़का, जो कि हमारे उत्तराखंड का बहुत टेस्टी तड़का है। एक ही डायलॉग रहता है मेरा कि जखिए का तड़का, हमारा फेमस तड़का, तो जखिए के तड़के में ये बहुत टेस्टी हो जाएंगे और अच्छे पराठे बनते हैं। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सब्जी के जैसे नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए अलसाएंगे मूली को, थोड़ा कच्चापन हट जाएगा ना मूली का, तो बहुत अच्छे सुंदर पराठे बनते हैं फिर सॉफ्ट वाले। इसमें मैं जीरे का तड़का नहीं लगाऊंगी, जखिए का ही लगाऊंगी, और बहुत टेस्टी हो जाता है जखिए का तड़का। हो गया है ये, और अब मैं इसको डाल दूंगी, धनिया भी मैंने ढेर सारा काट के रखा हुआ है, इस तरीके से 2 से 3 मिनट इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, जैसे सब्जी मिलाते हैं, इतना सुंदर टेस्ट आता है ना पराठों का, फिर बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। तो बस इस तरीके से, जलने भी नहीं देना, ऐसे घुमाते रहना तो भाप अपने आप निकल जाएगा और पानी वाष्प बन के बाहर निकल आएगा।
तो ये देखिए भाप कितना तेजी से ऊपर जा रहा है। जब तक इसका भाप उठता है ये ठंडा होता है स्टेपिंग, तब तक मैं आटा गूंथूंगी फटाफट से। आटा भी गूंथ के यहाँ पे रेडी हो चुका है और अभी मैं दोबारा देती हूँ गैस पे और बनाना शुरू करती हूँ। मैंने ये दो रोटियां बेल ली हैं और मूली के पराठे ना मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। एक बार कमेंट भी आया था कि सीधा भर दिया करो जैसे और पराठे, जैसे आलू के पराठे भरते ना तो वैसे ही भर दिया करो, आपको खींचनी उठती है। तो नहीं, मुझे पहले से ही आदत है, बस ऐसे ही मैं पहले स्टेपिंग को इस तरीके से फैलाती हूँ और इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा मूली के पराठे और गोभी के पराठे और मेथी के पराठे। तो आटा गूंदना होता है ना मेथी के साथ, तो मुझे आफत तो नहीं आती है। उन्होंने, उनका कहना भी ठीक है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस तरीके से, लेकिन पता नहीं क्यों हमें वो अच्छे ही नहीं लगते। एक आध बार मैंने बनाए भी उस तरीके से, हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं वही अच्छा है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और एक हाथ से मैंने कहा मेरा पकड़ा है एक हाथ से, तो इस तरीके से ना अभी इस पर तेल नहीं लगाया मैंने, ना तो मैंने तवे पे लगाया है और ना मैंने रोटी पे पराठे पे, तो अब लगाऊंगी मैं इस पर तेल। और मेरा तेल लगाने का तरीका होता है, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं लगाती, बस इस तरीके से जैसे ये हो गया भिगा दिया इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये लोग ना घी और मक्खन भी खाते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बस थोड़ा थोड़ा ही पकाऊंगी मैं, वो थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी मैं तेल और बस इस तरीके से पलटा देंगे इसको तेल की तरह। और इधर भी देखिए कितने अच्छे से पराठा पक गया है। तो बस, और किसी ने ये भी पूछा था कि आप चिमटा या कच्ची वो नहीं करते, यूज नहीं करते, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा सज नहीं आता, सज मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता उसको यूज करना, हाथ उलझ जाता है मेरा और जलता भी नहीं है, पहले से आदत है हमें। तो ये देखिए अच्छा बन गया है और दोनों तरफ से खूब अच्छे से पकाएंगे इसको और इसके ऊपर खाते समय डालेंगे घी और मक्खन, तो ये अच्छा हो जाएगा खाने में, बहुत टेस्टी है। देखिए अंदर से पराठा भी बहुत अच्छे से पक चुका है, सारे पराठे ऐसे ही बना दूंगी मैं। और ये दूसरा तैयार हो गया है। भी क्या हुआ ना कि मैंने एक भरा हुआ भी बना दिया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं भरा हुआ इसलिए नहीं बनाती हूँ, मतलब एक इसी के अंदर जो भरते हैं ना स्टेपिंग जैसे आलू का भरते हैं, मैं इसलिए नहीं भरती हूँ कि एक तरफ तो ये सही हो गया लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसा हो जाता है मेरा और ये मुझे बहुत गंदा लगता है। और जो मैंने एक तरफ से दूसरी रोटी रखी और बीच में स्टेपिंग और दूसरी तरफ से दूसरी रोटी रखी, तो उसमें क्या होता है ये चीज़ नहीं होती, पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। और मुझे ये वाला पराठा खाने में ना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, मूली का पता नहीं क्यों खासकर, तो ऐसे हो जाता है ना जैसे फटा फटा सा ये सारी स्टेपिंग बाहर से निकल जाती है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम और झाड़ू पोछा सारा मेरा हो चुका है सारी जगहों का। और ये मैंने चेंज नहीं किए हैं अभी। तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे बढ़िया होंगे। और सारा चकाचक हो गया मेरा सुबह का काम, तो झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था, यानी कि 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था बड़े आराम से। और अभी ना बालकनी में बहुत अच्छे से धूप आ रखी है तो मैं ना 10 बजे बैठ जाती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे खा रही हूँ मैं किन्नू। और किन्नू ना बिल्कुल भी मीठा नहीं है, जैसे मेरी दीदी लाई थी किन्नू ना, तो वो किन्नू बहुत मीठे हो रहे थे और ये दिख तो संतरे के जैसे रहे लेकिन मीठे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको तो मैं नहीं छिलूंगी। और ये है बथुआ जो कि मैं परसों लाई थी, तो इस बथुए को मैं अब बिनूंगी। और ये मेथी है, ये थोड़ी सी मेथी मैंने बिन दी है। और ये हरी मिर्च है, इनको भी बनाऊंगी, धोऊंगी और धो के फ्रिज में रखूंगी। और ये धनिया है, ये भी मैं धो के फ्रिज में रखूंगी, बना बुना के अच्छे से धोऊंगी नहीं क्योंकि धो के ना ख़राब हो जाता है धनिया, पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है, गल सा जाता है, तो अच्छी खुशबू आ रही है धनिया से, तो मैं इसको पन्नी से निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और मैं फटाफट से काम करती हूँ धूप सेकने के लिए,
धूप सेकने की वजह से कि उसके बाद मैं सोचती हूँ धूप सेकूँगी, अच्छे से धूप में बैठी रहती हूँ 2 घंटे, अच्छा लगता है। बच्चे स्कूल गए हैं और मेरी हालत है ना वो ऐसी हो रखी है, ये देखिए बाल नहीं बना रखे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ले लिए हैं शिमला मिर्च 2, एक लाल और एक ये पीला और 2 हरे है ना, मतलब ये एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ठीक है, और एक ये वाला ले लिया, तो 3 ले लिए। ये पिज्जा ऑरिगेनो ले लिया है पिज्जा बनाने के लिए ऑरिगेनो। तो अभी आई हूँ मैं चक्की में और यहाँ पिसा रही हूँ मैं गेहूँ, यानी कि आटा लेकर जाएंगे। और ये है छीटने का, यानी कि अभी दिखाएंगे। और मैं और बाबू आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं और खा रहे हैं साथ में। ये इसमें मिला दिए हैं जौ और चना और गेहूँ, इसमें भी 1 किलो जो गेहूँ और जौ देखिए और डाल दिए भैया ने, ये देखो ऐसे देखा करो ना भैया, ये देखो मिला रहा है भैया, ये देखो चला दिया उसने पंखा। अब ला रहा है वो दूसरा कनस्तर, की वीडियो यहीं तक थी मेरी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं।